नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी भी था, क्योंकि काफी लोग पूछ चुके हैं कि इंडक्शन के लिए कौन सा एक्सटेंशन बोर्ड यूज करना है या हैवी अप्लायंसेस के लिए कौन सा एक्सटेंशन बोर्ड यूज करना है। ऑल्दो ये वाला जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये काफी कमाल का है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतना बड़ा तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है, काफी, मतलब एक्चुअल में काफी बड़ा है। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पोट्रॉनिक्स की तरफ से, जैसा कि मैंने बताया, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये है पोट्रॉनिक्स की तरफ से पावर प्लेट 7, पावर एक्सटेंडेड विद 8 सॉकेट, 6 यूएसबी पोर्ट। इसके अंदर 8 आपको सॉकेट मिल जाते हैं, 6 पोर्ट्स मिल जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको मंगाया जाए, सर्विंग योर पावर नीड्स। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो है इमेज वगैरह दी हुई है, इसका प्राइस वगैरह और ये सब जो है लिखा हुआ, 1 ईयर की वारंटी के साथ ये आता है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आई गेस सील, अच्छा सील नहीं है, वो सिर्फ पैकिंग जो थी पॉलिथीन वाली वो थी। इसको अब मैं ड्रैग कर लेता हूँ, और इसमें कुछ नहीं है। तो पैकिंग काफ़ी सेफ है, पैकिंग काफ़ी अच्छी है, पूरी अच्छी तरीके से सेफली इसको पैक किया गया। और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, ओके, तो डॉक्यूमेंट में बात ही कर रहा था। तो यहाँ पर ये है पोट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग के साथ। आप जो इनवॉइस है उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पर जो है सेंड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, या पर आप डायरेक्टली इसको स्कैन कर सकते हैं, तो आपकी जो वारंटी है वो रजिस्टर हो जाएगी। और 1 ईयर की वारंटी है तो आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए फाइनली इसको ओपन करें। तो ये देखो भाई, तो इसको देख के जो फील है वो मुझे थोड़ी हैवी हैवी जम्बो टाइप की फील आ रही है। टोटल यूएसबी है, डीसी 5 वोल्ट, 2.1 एम्पेयर है, सॉकेट इनपुट 240 वोल्ट। तो यहाँ पर सॉकेट के जो आउटपुट है वो 10 एम्पेयर और 2500 वॉट मैक्स है। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये 8 सॉकेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इसमें आप जो भी टोटल लोड डालेंगे वो 2500 वॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केबल की अगर मैं बात करूं तो केबल बाकी एक्सटेंशन बोर्ड के मुकाबले हैवी केबल है। अब 10 एम्पेयर के सॉकेट है तो आप मान सकते हो कि 10 एम्पेयर का हैवी माना जाता है। रेगुलर जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें 6 एम्पेयर तक के सॉकेट आते हैं। केबल जो है वो भी अच्छी खासी लंबी है, एग्जैक्ट लंबाई तो मुझे नहीं पता है, बट 2.5 मीटर के आसपास होगी। ये जो इसका प्लग है ये भी 10 एम्पेयर का है, छोटा है थोड़ा 10 एम्पेयर के हिसाब से, बट है 10 एम्पेयर का ही। केबल जो हैवी है और काफ़ी सही आपको यूज़ में आने वाली है। अब मुझे बस एक ही चीज़ जो है लगती है कि जब से मैंने सिस्का वाला यूज़ करा है ना, उसमें हर एक सॉकेट का इंडिविजुअल स्विच है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि होना चाहिए, बट इसमें नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि देखो, अगर आप एक बार बटन ऑन करोगे तो ये सारे ऑन हो जाएंगे, तो फिर आपको अगर कोई भी इसमें लगाना है, चार्जर है लैपटॉप का, आईफोन का, या फिर किसी भी चीज़ का, या कोई भी प्लग लगाना है, तो आपको उसको अनप्लग करना पड़ेगा। बट इंडिविजुअल स्विचेज में क्या होता है, आप उसे स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए बारी है इसको लगाने की। तो भाई ये ऑन हो गया है, देखो अब ये वीडियो में ब्लिंक करती ही है। सबसे पहले यूएसबी पोर्ट चेक कर लेते हैं, टाइप सी नहीं है, रेगुलर यूएसबी पोर्ट्स हैं इसमें। तो ये आ गई अपनी वन प्लस की केबल, इसको मैं यहाँ पर प्लग कर देता हूँ। और यहाँ पर अपना स्मार्टफोन आ गया है, इसको प्लग करते हैं। फास्ट या स्लो वो नहीं दिखा रहा, सिर्फ चार्जिंग दिखा रहा है, तो इसको भी टेस्ट कर लेंगे। वैसे एम्प वाली अपनी जो टेस्ट अपनी जो एप्लीकेशन आती है एम्पेयर वगैरह चेक करने की, उससे अभी से चेक कर लेंगे कितने एम्पेयर ये दे रहा है आउटपुट। तो यूएसबी पोर्ट तो चल रहा है, सारे यूएसबी पोर्ट चल रहे होंगे, आप एक बार चेक कर लेना। देखो यहाँ पर 73% अब ये दिखा रहा है, सारे पोर्ट चल रहे हैं। अब बारी है इसकी, तो इसके लिए जो है वन प्लस का चार्जर आ गया, लेमिनेशन कर रखी है, इसको लगाते हैं। और यहाँ पर सेफ्टी शटर आपको मिल जाता है, तो थोड़ा सेफ्टी रहती है और आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इनको, तब ये लगेंगे। तो ये एक चीज़ अच्छी है, जैसे आप लगाते हो तो यहाँ पर देखो हो गया है। अब ये फास्ट चार्जिंग है, वॉप चार्ज है 65 वॉट का, तो ये धड़ल्ले से एकदम मस्त चार्ज कर रहा है।
तो इसी तरीके से पोर्ट्स वगैरह भी चेक कर लेना। तो अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देखी, और ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है प्रोटोनिक्स वाला, ये मतलब वैसे तो काफी बड़ा है, आप देख सकते हो इसका ओवरऑल साइज, और ये मेरा हाथ है और ये है, तो ये काफी बड़ा है। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, सॉलिड प्लास्टिक का यहाँ पर यूज किया गया है, बट प्लास्टिक तो प्लास्टिक होती है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये जो प्लास्टिक है ना, ये अच्छे किस्म की प्लास्टिक है। अगर मैं इसको ऐसे या ऐसे करके बैंड करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये नहीं होती, या मैं इसे ऐसे ऐसे प्रेस करूंगा तो ये नहीं होती, बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। अब यहां पर आपको 8 सॉकेट मिल रहे हैं, 6 यूएसबी पोर्ट मिल रहे हैं, और यूएसबी पोर्ट में जो आपको पावर मिलती है उससे आप अपने ईयरबड्स, हेडफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी चार्ज कर सकते हैं जो यूएसबी से चार्ज होता है। अब इसकी जो पावर है वो आई गेस की रेगुलर है, तो वहां पर आपको फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिलती, रेगुलर चार्जिंग मिलती है। ये जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पर आपको सेफ्टी शटर मिलता है, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है, सिंगल ऑन एंड ऑफ का बटन मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई इश्यू नहीं है। तो टोटल जो आउटपुट है एक्सटेंशन बोर्ड से जो आप ले सकते हैं वो 2500 वॉट का है, मतलब टोटल लोड जो है वो आप 2500 वॉट तक इस एक्सटेंशन बोर्ड पर डाल सकते हैं, उससे ज्यादा कंपनी नहीं सजेस्ट करती है, तो आप मत करिएगा। तो नॉर्मल 2500 वॉट तक पीसी, लैपटॉप, आपके स्मार्ट टीवी, इवन कूलर, पंखे, फ्रिज वगैरह, ये सारी चीजें इससे चल जाएंगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्योंकि यहाँ पर केबल की क्वालिटी आप देखो, केबल की क्वालिटी भी कितनी अच्छी है, कितनी मोटी, कितनी थिक केबल मिलती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो केबल आपको अच्छी मिल रही है, आपको 10 एम्पेयर का प्लग मिल रहा है, और केबल की जो लेंथ है वो भी काफी अच्छी है, मतलब एग्जैक्टली मैंने नापा नहीं और मैंने चेक भी नहीं किया, तो 2.5 से 3 मीटर के आसपास केबल की लेंथ है, तो काफी अच्छी खासी केबल आपको मिल जाती है। तो अगर आप मतलब इस जगह से दूसरी जगह तक ऐसे करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसको मैंने परफॉर्मेंस इसकी चेक करी है, तो जैसे ये ड्रिल मशीन है, ये भी अच्छे खासे वोल्टेज के साथ आती है, तो मतलब ड्रिल मशीन है, एंगल ग्राइंडर है, या कुछ ऐसी हैवी चीजें हैं वो मैंने यूज कर लेता हूँ। इवन मैंने तो ये सिस्का वाला है ये भी यूज कर रखा है, इस पे भी मैंने ड्रिल मशीन और कूलर, पंखे वगैरह ये सब चलाए हैं। पीसी मेरा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं आई, 2 साल इसकी वारंटी थी और चल रहा है अभी तक, बाकी चलता रहे अच्छी बात है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंशन बोर्ड पे आप ये चीजें भी यूज कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं इंडक्शन के लिए हमें एक एक्सटेंशन बोर्ड बताओ, या फिर हमें गीजर वगैरह लगाना है या हीटर लगाना है, तो देखो एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, आप इस पे लगाओ चलेगा, ऐसा नहीं है लगाते ही उड़ जाएगा, नहीं, 2500 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चल जाएगा। लेकिन जो हैवी अप्लायंसेस आपकी होती हैं वो जब एक कंटिन्यूस पीरियड में चलती है, एक लॉन्ग टाइम के लिए चलती है ना, तो केबल जो है हीट हो जाती है, क्योंकि ये जो केबल है ये इस तरीके की नहीं होती कि ये उस लोड को ज्यादा देर तक चला पाए, चला सकती हैं लेकिन आपको चलाना नहीं चाहिए, इट्स नॉट एडवाइसेबल, बिकॉज जो केबल है ये 3-in-1 होती है, इसके अंदर 3 केबल्स होती हैं, एक अर्थिंग के लिए और 2 फेस और एक न्यूट्रल, इस तरीके की केबल होती है, और बाकी जो है वो 3 केबल अलग अलग, उनके अलग अलग आउटर है, और फिर उसके बाद 1-2 लेयर होती है, तब ये जाके ये केबल बनती है। तो होता क्या है कि जब ज्यादा देर यूज होती है ना तो मेल्ट होने के चांस रहते हैं, अगर वो 2 केबल जो आपका फेस और न्यूट्रल है, दोनों केबल अगर मेल्ट होके चिपक गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वहां इशू हो सकता है। तो इसीलिए सजेस्ट ये करा जाता है कि आप हैवी अप्लायंसेस को ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड में ना लगाएं। पीसी, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, इवन फ्रिज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बट फ्रिज एक ऐसी चीज है जिसको आप मूव नहीं करोगे। एक्सटेंशन बोर्ड का मतलब है कि आपको ऑन द गो में या वैसे चीजें चाहिए, जैसे आपका जो घर की फिटिंग है उसमें 1-2 सॉकेट लगे हुए, आपको टीवी लगाना, आपको होम थिएटर लगाना, आपको पीसी वगैरह लगाना है, लैपटॉप लगाना है, मोबाइल चार्ज करने हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अब जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, हीटर है, ये सारी चीजें क्या है, ये जल्दी से मूव नहीं होती। आप एक सेपरेट लोकेशन देखोगे स्पेसिफिक कि यहां मुझे फ्रिज लगाना है, यहां मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि वहां पे आप फिटिंग करा लो, क्योंकि आपको पता है आपका फ्रिज यहीं रखा जाने वाला है, फिटिंग करा लो। अगर आपकी अंडरग्राउंड फिटिंग है, वहां पर नहीं इतना स्पेस है, तो आप बाहर भी फिट करा सकते हो। सॉकेट, एक बोर्ड जो है प्लास्टिक के बोर्ड आते हैं फाइबर वाले, वो वहां पर फिट हो जाते हैं, उसमें आप 16 एम्पीयर का सॉकेट लगा लो, फिर उसके साथ एक ऑन ऑफ स्विच लगा लो, वहां पे आप अपना फ्रिज लगा सकते हो। गीजर के जगह भी आप यही कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जो उनकी जो पावर कंजम्पशन होती है वो हैवी होती है। अगर आपको एक्सटेंशन बोर्ड यूज करना है, आपको फिक्स वाला नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने नियर बाई शॉप से आप एक कस्टम बोर्ड बनवा सकते हो।
ठीक है, एक सॉकेट, एक स्विच, एक सॉकेट और एक ऑन ऑफ का स्विच, दोनों का एक एक्सटेंशन बोर्ड बनवा लो, लकड़ी वाला बनवा लो, प्लास्टिक वाला बनवा लो, कैसा भी बनवा लो, हैवी सॉकेट, हैवी स्विच 16 एम्पियर, और उसके बाद अपनी जो केबल है वो 2.5 mm या 4 mm के करीब आप लगा लो उसमें, और जितनी आपको चाहिए उतनी। तो आपका एक्सटेंशन बोर्ड भी बन गया और आपका उस पर सारा हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है वो सारे काम करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चला सकते हो इमरजेंसी में, लेकिन चलाना नहीं है क्योंकि खतरा रहता है। तो ये लाइट अप्लायंसेस के लिए बनाए गए हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें कोई फ्यूज वगैरह का ऑप्शन नहीं है और नॉर्मल झटके वटके जो है ये झेल जाता है, तो ऐसी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अकॉर्डिंग टू प्राइस अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड है, प्राइस इसका 700 से 800 के बीच में ना कम ज्यादा होता रहता है, सेल में कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, तो उस प्राइस पॉइंट में आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और करंट प्राइस आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। अगर आप हमारे एफिलेटेड लिंक से परचेज करेंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, तो ये चीज आप देख सकते हो, वरना तो कोई इशू है ही नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन हैं अभी भी तो डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। आप देखते रहिए द टेक प्रो।